रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि भोपाल से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में चरमरा सकती है स्वास्थ्य व्यवस्था। भोपाल एम्स के बाद हमीदिया के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। नेशनल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। ओपीडी में सेवा नहीं देंगे ये डॉक्टर्स। 250 से ज्यादा डॉक्टर्स है, जिसके वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है इससे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भारत सूरज भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। भारत, जानकारी दीजिएगा कि क्या कुछ डॉक्टर्स की मांगे हैं, वो हड़ताल पर चले जाएंगे, उसके बाद मरीजों को कितनी परेशानी होगी। बिल्कुल रसिका, डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि जब तक नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बन नहीं जाता, डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बन जाता, तब तक वो लोग हड़ताल पर ही रहेंगे। बड़ी बात ये है रसिका कि पहले एम्स में डॉक्टरों ने हड़ताल दिया, उसके बाद अब हमीदिया के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी गुरुवार यानी कि आज रात के 12 बजे से वो हड़ताल पर चले जाएंगे। लगभग 250 डॉक्टर्स हैं ओपीडी में, उनकी सेवाएँ जो है बाधित रहेंगी। सबसे बड़ा असर इसका जो है वो गरीब और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन पर पड़ने वाला है, क्योंकि हमीदिया और एम्स बहुत बड़ी तादाद में जो है पूरे मध्य प्रदेश से अलग अलग कोने कोने से लोग पहुंचते हैं इलाज के लिए। तमाम सेवाएं अगर ठप पर जाएंगी तो इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ सकता है। डॉक्टर्स बहुत नाराज हैं, कोलकाता में जिस तरीके से घटना हुई है और उसके बाद जिस तरीके से लीपापोती की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, और डॉक्टर्स जिस तरीके से मांग को लेकर अपना प्रखरता से उभर रहे हैं, तो उस सबको देखते हुए निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग पर और स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो है अब कहीं ना कहीं से एक अंकुश लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भारत, तो देखने वाली बात होगी कि सरकार अब क्या करती है आगे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को भी इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो मरीजों की परेशानी बढ़ जाएगी। तमाम जानकारी के लिए भारत, तमाम शुक्रिया आपका।